नमस्कार किसान भाइयों, दाकृषि चौपाल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। क्या साल 2024 के अंत तक ग्वार के वायदा बाजार और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग बढ़ने की संभावना है? क्या ग्वार की अंतर्राष्ट्रीय बाजार मांग बढ़ने से ग्वार के बाजार में तेजी आएगी? जी हाँ दोस्तों, आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आने वाले 2 से 3 महीनों के दौरान जो है ग्वार के वायदा बाजार और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो है कितनी तेजी देखने को मिलेगी, और जिसके चलते ग्वार के बाजार में जो है कितनी तेजी देखने को मिल सकती है। इसलिए किसान भाइयों, आप इस वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखें, और दिसंबर 2024 तक आपकी लोकल मंडी में ग्वार का बाजार कहां तक पहुंच सकता है, इसकी जानकारी के लिए आप अपनी मंडी का नाम हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाजार जानकारों से मिल रही जानकारी के अनुसार इस साल के अंत तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती ग्वार गम की मांग और उत्पादन में गिरावट की संभावनाओं को देखते हुए ग्वार के बाजार में तेजी आने की संभावनाएं देखी जा रही है, और इसके चलते वायदा बाजार में भी यदि ग्वार गम और ग्वार सीड के बाजार को देखा जाए तो दिसंबर तक ग्वार गम और ग्वार सीड का वायदा बाजार भी लगातार तेजी के साथ ट्रेंड करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि किसान भाइयों, यदि वायदा बाजार में देखा जाए तो सितंबर तक ग्वार गम और ग्वार सीड का बाजार हल्की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं बाजार जानकारों का मानना है कि इस दौरान ग्वार की बाजार में आवक शुरू नहीं होने के चलते वायदा बाजार सुस्त रह सकता है। लेकिन वहीं अक्टूबर में जैसे ही ग्वार की बाजार में आवक शुरू होगी तो इस दौरान अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक ग्वार के वायदा बाजार में जो है बड़ी तेजी के साथ ट्रेंड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके पीछे बाजार जानकारों का मानना है कि अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच ग्वार की मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेज रहने की संभावना है, और जैसे ही ग्वार बाजार में आना शुरू होगा वैसे ही विदेशी बाजारों में बड़ी मात्रा में ग्वार की सप्लाई शुरू होने से ग्वार के बाजार में अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच बड़ी तेजी की संभावनाएं देखने को मिल रही है। ऐसे में किसान भाइयों, माना जा रहा है कि इस साल ग्वार का बाजार एक बार फिर से बड़ी तेजी दिखा सकता है। आने वाले दिनों में भी हम आपको ग्वार के बाजार का ताज़ा अपडेट समय समय पर देते रहने की कोशिश करते रहेंगे। इसलिए देखते रहें दाकृषि चौपाल। जय हिंद, जय किसान।